little star. How are you and do little star? I was rocking it to ओके 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 हो गया, गुजारा हो गया। अगर मैं कहूँ कि गाना आप गाएंगे साथ साथ मैं भी गाऊंगी तो फिर भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि आप हल्की आवाज में गाएं मैं तेज आवाज में गाऊं तो फिर भी नहीं। सवाल यह है कि वो कौन है जो बहुत तेज भागता और कभी वापस नहीं आता? ये जवाब नहीं दे सकता। जवाब नहीं दे सकते? क्यों, ऐसी क्या बात है? भागता है, तेज भाग जाता है, पता भी नहीं चलता। वक्त ही है वो। वक्त ही है, बिल्कुल बिल्कुल वक्त ही है। आप मुझे ये बताएं वो क्या है जो बहुत तेज भागता है और कभी वापस भी नहीं आता? वक्त। वक्त, बिल्कुल। नो डाउट आज का सवाल जो है वो बहुत ही आसान है। बाबा ब्लैक शिप एवरीवेयर फुल यस यस थ्री बैग फुल वन फॉर द मास्टर वन फॉर द डाइन वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। वो कौन है जो सबसे ज्यादा गवाही देता है? कहते हैं यार ये चीज गवाह है। इस चीज का नो। आपसे सिर्फ हम कराटे टैगवांडो इस बारे में हम पूछ लें। इसके बारे में जो मर्जी पूछ लें आप मेरे से। आपके नाम का मतलब क्या है? सैर करने वाली। सैर करने वाली, ओके। कहाँ कहाँ तक सैर कर लिया आपने? आधा पाकिस्तान। आधा पाकिस्तान। आधे पाकिस्तान में क्या क्या शामिल होता है? आधे शहर, आधे सूबे। आधे आधे सूबे नहीं, वो कुछ सूबे पूरे और कुछ नहीं। ठीक है जी। सबसे ज्यादा किससे बनती है? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं बनती बहन भाइयों, बनती सारे ही बस दोस्त हैं, दोस्त नहीं भी हैं, कभी लड़ाई भी हो जाती है। शादी के बाद वैसे इंसान के शौक मर जाते हैं? हाँ, कुछ लोगों के ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों के ऐसा हो जाता है, यानी ये सच है? जी जी। ठीक है, यानी वो बस घर का होके रह जाती है? जी जी। और जो मर्द है वो घर का होके रहता है? मर्द घर का नहीं होके रहता, मर्द की लाइफ वैसी बरकरार रहती है। मर्द की लाइफ वैसी ही रहती है, जो खवातीन है उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप महाजबीन आबिद के साथ, और आज की शाम हम गुजारने आए हैं जिनाह पार्क मुल्तान में, और देखेंगे ये कि आज कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बनेंगे आज के प्रोग्राम का हिस्सा, आज के एपिसोड का हिस्सा, और कुछ मज़े मज़े के सवाल भी होंगे और कुछ उनके दिल का हाल भी जानेंगे। और ख़ासकर बच्चों से बात करने का मुझे होता है बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार, क्योंकि उनसे बात करके मैं डबल ट्रिपल इन्जॉय करती हूँ हमेशा की तरह। आज भी काफ़ी सारे बच्चे मौजूद हैं, उनसे कुछ मज़े मज़े के सवाल करेंगे, कॉमन सेंस क्वेश्चंस करेंगे, तो हमेशा की तरह ही आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे और लोगों की जानिब बढ़ते हैं, बातचीत स्टार्ट करते हैं। जी मौजूद हूँ मैं जनाब पार्क मुल्तान में और मेरे साथ एक बच्ची ठहरी है, हम इनसे ज़रा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बहुत ज़्यादा ठीक है। बहुत ज़्यादा ठीक है, क्या एनर्जी है, ऐसी एनर्जी मुझे भी आ जाए, मुझ में भी थोड़ी सी दे दें आप एनर्जी। अच्छा, नाम क्या आपका? मीरब ज़ारा। मीरब ज़ारा, ओके। मीरब ज़ारा कौन सी क्लास में है? फोर्थ। फोर्थ क्लास में है, ओके। मीरब ज़ारा की घर में सबसे ज़्यादा किससे बनती है? मम्मा से। मम्मा से बनती है, ओके। घर में और कौन कौन है? मम्मा, बाबा, दादो और फुप्पो। मामा, बाबा, दादो और फुप्पो। और कोई भाई बहन? नहीं। ओके, मीरब की कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो मीरब अकेला तो नहीं फील करती? करती हूँ। ओके, कभी कभी करती है। तो आपकी फ्रेंड्स हैं? ओके, फ्रेंड्स कितनी हैं, थोड़ी सी हैं, बहुत ज़्यादा, या पूरा ग्रुप है? बहुत सारी। बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, यानी फ्रेंड सर्कल जो है वो बड़ा है, वेरी गुड। फ्रेंड्स के नाम? मरियम, एक का नाम आयशा, एक का नाम जैनब, एक का नाम अबीहा है, एक का नाम आयशा, एक का नाम जैनब अल्ताफ। ओके ओके, और लिस्ट जो है वो चलती जा रही है क्योंकि फ्रेंड्स जो है वो ज़्यादा हैं। फ्रेंड्स को कुछ कहना नहीं चाहेंगी आप? कहूँगी। क्या कहेंगी? मैं इनको बहुत मिस कर रही, मैं अकेली है ना, इन्जॉय कर रही हूँ। अकेली इंजॉय कर रही हैं, अकेली हैं लेकिन इंजॉय कर रही हैं, लेकिन स्टिल फ्रेंड्स की जो कमी है वो फील हो रही है। ओके, मीरब को और क्या क्या शौक़ हैं, क्या करती रहती हैं घर में जब होती हैं, फ्री टाइम होता है, जब पढ़ना नहीं होता फिर क्या करती हैं? खेलती हैं। किसके साथ खेलती हैं और क्या खेलती हैं? मैं झूला पे खेलती हूँ। झूलों पर खेलती हैं, नाइस। मीरब कोई पोएम सुनाएंगी? कुछ करना आती है। मुझे तो बहुत सारी आती, थोड़ी सी सुना दें, कोई सी भी जो आपको आती हो। Twinkle twinkle little star, how are you and do little star? I was rocking it to town.
ओके ओके ओके, हो गया, गुजारा हो गया। चलो जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, आप इंजॉय करें, हम चलेंगे आगे, देखते हैं आज और कितने लोग हमें मिलने वाले हैं जनाब पार्क में, क्योंकि पार्क्स ने बंद हो जाना है एग्जैक्ट 6 बजे, ठीक 6 बजे पार्क्स जो हैं तफरी मकामात जो है वो बंद हो जाएंगे। तो उससे पहले पहले हम चलते हैं यहाँ पर आए लोगों को ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि कौन कितना ज़हीन है, कितना टैलेंटेड है, जो आज हम और आपका हिस्सा बनेंगे। तो लोगों की जानिब बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर 2 बहनें मौजूद हैं, इनसे ज़रा हम अब बात चीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? ठीक, बिल्कुल ठीक हैं जी। कोई मसला नहीं? कोई परेशानी नहीं? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है? नहीं। चलो जी, वेरी गुड, ये तो गुड हो गया। आपका नाम क्या है? जैनब। जैनब, और आप? आयशा। जैनब और आयशा दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों की आपस में कितनी बनती है? लड़ाई होती है जी? लड़ाई होती है। लड़ाई किस बात पे होती है? एक दूसरे की चीज़ों के पीछे ऐसा हो जाती है। अच्छा, वैसे एक बात बताओ, जब दोनों के सेम सेम ड्रेसेस बनते हैं, वैसे बनते हैं सेम सेम ड्रेसेस, ओके, गुस्सा आता है किसी, आप दोनों में से किसी को, कि ये मेरे जैसा ड्रेस क्यों बनवा लिया? नहीं। अच्छा, ये केस सिर्फ मेरे साथ है, मुझे लगा सारी बहनों के साथ होगा। आप क्या करती हैं? नहीं। कौन सी क्लास में? 5th क्लास में है। ठीक है, आप इतनी बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, आगे क्या सोचा है, क्या बनना है, क्या करना है? मुझे आर्मी डॉक्टर बनने का शौक है। वेरी नाइस, आर्मी की फील्ड और मेडिकल की फील्ड ज्वाइन करने का शौक है। आपने क्या करना है? मैं भी डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। वैसे अभी क्या करती हैं आप? 9th क्लास। 9th क्लास में है, ओके ओके। पढ़ाई में एक दूसरे की हेल्प करते हैं? कर लेते हैं, वो कर देती हूँ मैं तो 5th। हाँ, तो फिर भी हेल्प तो कर सकते हैं ना, कि अगर इन्होंने कोई टेस्ट, हाँ सुनना, एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाली थी। तो आपने भी यही सोचा कि आपने डॉक्टर बनना है? ये आपका अपना शौक है, अपना ज़ाती शौक है, या किसी ने फोर्स किया कि नहीं तो अपना डॉक्टर बनना है? नहीं, किसी ने फोर्स नहीं। वेरी गुड, किसी ने फोर्स नहीं किया, दोनों का अपना शौक है और ख़ुद चूज़ किया है कि हमने जी डॉक्टर बनना है। ओके, आपसे मैं ज़रा एक मज़े का सवाल कर लूँ जी? सवाल कर लें आपसे। ओके जी, सवाल ये है बहुत मासूमाना सा, वो कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा गवाही देती है? गवाही देती है यानी हमने अपनी बात का यकीन किसी को दिलवाना है ना, हम कहते हैं यार ये चीज़ आपको गवाही दे। आप सोचें, आपकी माफ़ी थोड़ी है, आपने भी सोचना है। Oh, no! क्या इन्जॉय कर रहे थे लोग और मैंने आके इनका दिमाग जो है वो हमेशा की तरह घुमा दिया और बड़े मज़े से घुमाया है। कुछ आया जहन में? कुछ भी नहीं आया कि कौन सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा गवाही देने वाला होता है, हर बात पे गवाही देता? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला। अगर इसके अलावा? बस बस। और वो क्या है, चलो दूसरा सवाल कर रही हूँ दूसरा, ओके, वो क्या है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से भाग जाता है और कभी वापस नहीं आता? ये तो बहुत आसान सवाल है, आपको भी पता चल गया होगा इसका जवाब। वक्त। वक्त, एग्जैक्टली, मैंने कहा था ना आसान सवाल है। अच्छा चलो, अब मुझे ये बताओ कि दोनों में से गुस्सा किसको आता है? तुम बताओ ना। आता है दोनों को। आता है दोनों को किस बात पर आता है? इनको अगर आता है तो किस बात पे आता है? हमारे एक दूसरे की थोड़ी सी हो जाती है। ओके जी, थोड़ी सी हो जाती है। आप बताएं इनको किस बात पे गुस्सा आता है? मैं अगर इसकी चीज़ छेड़ूं और ये बहुत जल्दी चिढ़ जाती है। ओके, चिड़चिड़ी हैं, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हैं। अच्छा, चिढ़ जाती हैं ज़रा जल्दी, तो आप इन्हें फिर कैसे हैंडल करती हैं, इनके रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करती हैं? मैं इसको बस गाना सुनाती हैं। अगर आपको मैं कहूँ कि थोड़ा सा गाना मुझे सुना दें ताकि मेरा मूड जो है ना वो फटाफट से अच्छा हो जाए, फिर चिट्टा इनकार। अगर मैं कहूँ कि गाना आप गाएंगे साथ साथ मैं भी गाऊंगी तो? फिर भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि आप हल्की आवाज़ में गाएं मैं तेज़ आवाज़ में गाऊं तो? फिर भी नहीं। अच्छा, जो गाना आपको अच्छा लगता है मुझे सिर्फ वो बता दें।
नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। अब गाने गाने में तो अच्छी आप हैं, फिर आपकी मर्जी हुई ना। अच्छी तो नहीं हूँ। इन्होंने कहा है ना आप गाना सुनाती हैं, गाना सुनाती हैं, गाना गाना अच्छा गाती हैं तो सुनाती हैं। छेड़ने के लिए गाती हूँ मैं। अच्छा, छेड़ने के लिए कौन सा गाना गाती हैं प्लीज़ मुझे बता दें। मुख्तलिफ गाने सुना देती हैं, कोई एक गाना। ये इंग्लिश गाना सुनाती हैं। इंग्लिश गाना सुनाती हैं, प्लीज़ मुझे एक लाइन सुना दें, दो लाइन सुना दें चलें। मुझे नहीं आता कोई। नहीं आता, बस ठीक है दी, चिट्टा इनकार है, नहीं सुनाना तो नहीं सुनाना। चलो जी, आप लोग इन्जॉय करो, अपना ख्याल भी रखो, हम चलेंगे आगे, देखते हैं कि और कितने लोग मौजूद हैं जो बनेंगे आज के एपिसोड का हिस्सा और जिनके साथ हम और आप मिलकर इन्जॉय करेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला? नहीं कोई मसला। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, माशाल्लाह। नाम क्या आपका? दानिश अली। दानिश अली साहब, आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, फर्टिलाइज़र का बिज़नेस भी है। ये फर्टिलाइज़र का बिज़नेस भी है, जॉब भी करते हैं। दोनों में से कौन सी चीज़ अच्छी है जो आप प्रेफर करेंगे, जॉब या बिज़नेस? बिज़नेस। बिज़नेस, ओके। और बिज़नेस क्यों? बिज़नेस में फ़ायदा है, हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, और अपना काम है, तरक्की के ज़्यादा चांस हैं। तो यही चीज़ है बिज़नेस के हवाले से। ठीक है जी, तरक्की के ज़्यादा चांस है इसलिए बिज़नेस को प्रेफर करते हैं। फ्री टाइम मिलता है तो आप क्या करते हैं? बस यही, बच्चों के साथ, सिर्फ संडे को हफ्ते में एक दफ़ा फ्री टाइम होता है, वो भी बच्चों के साथ घूमना। बच्चों के साथ गुजर जाता है, बच्चों के साथ इंजॉय करने की पूरी कोशिश होती है और बच्चों को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जब कभी टाइम नहीं दे पाते आप अनफॉर्चुनेटली, तो क्या रिएक्शन आता है? रिएक्शन बस बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, फिर हमारी बात नहीं मानते। ओहो, यानी जब नाराज़ हो जाते हैं तो फिर आपकी बात नहीं मानते? नहीं मानते जी। बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, रोते हैं, गुस्से होते हैं, रोते हैं। सब बच्चों में आपका दिल लगा हुआ या कोई एक है जो पर्सनल फेवरेट भी? बस मेरा बेटा है हसन, यही मेरा फेवरेट है। ओके जी, बेटे हैं हसन। अगर आपने हसन को कोई पैगाम देना हो वहाँ देख के, तो क्या पैगाम होगा? हसन को बस यही पैगाम दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दे, और हफ्ते में सिर्फ एक बार जो खेलने के दिन होते हैं उन्हीं दिनों हमारे साथ ही घूमे फिरे और एंटरटेनमेंट करे अपना। यानी पढ़ाई के वक्त पढ़ाई और खेल के वक्त खेल। वेरी गुड। जब आप छोटे थे तो आपने क्या सोचा था कि आप जब बड़े होंगे तो क्या करेंगे? उस वक्त तो काफ़ी ख्वाब थे जब छोटा। जो अभी ठंडी आह भरी है ना, इससे मुझे पता चल गया कि ख्वाब ज़रा गड़बड़ हो गई। हाँ, ख्वाब तो कुछ हो रहे थे, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। okay. तो बस फिर उसके बाद FFC के लिए काम करने लगे। हाँ जी, यानी लाइफ आपको कहीं और ले गई। हाँ जी, हाँ जी। और आप साथ चल दिए। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, एक मज़े का सवाल है आपसे। सवाल यह है कि वो कौन है जो बहुत तेज़ भागता है और कभी वापस नहीं आता? ये जवाब नहीं दे सकता। जवाब नहीं दे सकते? क्यों, ऐसी क्या बात है? भागता है, तेज़ भाग जाता है, पता भी नहीं चलता। वक्त ही है वो। वक्त ही है, बिल्कुल बिल्कुल वक्त ही है। लगता है सवाल ज़रा सा आसान हो गया कि सबको पता लग गया है। चलिए जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। वैसे देखने वालों को कोई पैगाम आपकी जानिब से? बस यही पैगाम है कि जब भी क्या नाम है अपना संडे हो या छुट्टी का दिन हो, बच्चों के साथ घूमें फिरें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात भी करें। कोरोना वायरस की वजह से अभी भी हालात बेहतर नहीं हो सके, इसका भी हमें एहतियात करना चाहिए और अपने बच्चों को अपने नज़रों के सामने ही रखना चाहिए। ठीक है जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। इन्जॉय करें, अपना ख्याल रखें, हम चलेंगे आगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप, और हम मौजूद हैं जनाब पार्क मुल्तान में, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर आए और यहाँ पर मौजूद लोगों के साथ, और मज़े मज़े के सवाल भी हो रहे हैं। यहाँ पर जो किड्स आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं किक्स और पंचेस, और ये सब अच्छे से प्रैक्टिस किया जा रहा है ग्रुप के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक बच्चा मौजूद है, इनसे हम कर लेते हैं ज़रा बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक लग नहीं रहे आप, मुझे थक तो नहीं गए? नहीं, बस प्रैक्टिस होती है तो हम इस यही तो सिखाया जाता है। यही तो सिखाया जाता है और आप शौक से सीख रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद ईसा। मोहम्मद
ईसा, मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा, आप यहाँ पर जो टाइम गुजारते हैं उसके बाद आप घर जाके क्या करते हैं? नहाता हूँ ताकि और फिर थका होता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ठीक है जी, थके हुए होते हैं तो फिर सो जाते हैं। आप वीक में यहाँ पर कितने दिन आते हैं? 6 days। ओके, ये सारा सेशन है ये 6 days होता है जी। ऑफ किस दिन होता है? फ्राइडे। फ्राइडे को ऑफ होता है, ठीक है जी। यहाँ पर आपके कोई फ्रेंड्स भी बनते हैं या बस स्कूल में जो फ्रेंड्स हैं वही हैं? नहीं, यहाँ पर सभी फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर सभी फ्रेंड्स हैं। वैसे आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7 में हूँ। 7th क्लास में हैं, ओके। क्या आप इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, आपने सोचा? यस। ओके, वैसे आपको इस पर्टिकुलरली इस चीज़ के लिए किसने मोटिवेट किया कि सीखो? ये मेरी अपनी चॉइस थी। ये आपकी अपनी चॉइस थी, तो आपकी अपनी चॉइस कैसे डेवलप हुई? यहाँ पे आकर देखा या किसी से सुना? मैं अपने फादर के साथ यहाँ पे वॉक करने आता था ट्रैक पे, और मैं यहाँ पे बच्चों को करते हुए देखता था, फिर मैंने अपने फादर से कहा और फिर मैं ज्वाइन हो गया। ओके, तो आपको अपने अपनी डिफेंस के लिए भी तो ये सारी टैक्टिक्स यूज़ होते होंगे ना, तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि आपने अपना अपने आप को प्रोटेक्ट करना हो तो कर सकते हैं? जी। वेरी नाइस। ओके, किक्स पंचेस सब कुछ आ गया आप? यस। yes. और सिखा सकते हैं, कोई न्यू कमर आए तो सिखा सकते हैं उसको? जी। वेरी नाइस। चलो आपसे एक मज़े का सवाल करते हैं, आप कर लें? कर लें। ओके जी, कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं वो क्या है जो बहुत तेज़ भागता है और कभी वापस भी नहीं आता? वक्त। वक्त, बिल्कुल। नो डाउट, आज का सवाल जो है वो बहुत ही आसान है। आपसे बात करके अच्छा लगा, इन्जॉय करें। वैसे देखने वालों को और बच्चों को ख़ास तौर पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि ये टाइक्वांडो, ये इससे हमारा जिस्म सख्त होता है, ये हमें सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, तो इनको भी ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। जी। ओके जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, एंजॉय करो और अपना ख्याल भी रखो और ऐसी प्रैक्टिस करते रहो। हम चलेंगे आगे, देखते हैं और कितने बच्चे मौजूद हैं यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और एंटरटेन करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, व्हाट यू आर, पापा बरसो बरसो आर, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी नाइस। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा कौन सी क्लास में है? दूसरी क्लास में, जहाँ चिड़िया आसान जाते हैं। ओके, आप दूसरी क्लास में हैं या अभी जाना है? इधर तो आ जाओ। प्रेप टू में हो? प्रेप टू में हो या टू क्लास में हो या वन में हो? वन क्लास में हूँ। आप वन क्लास में हैं, अच्छा जी। मुझे ये बताएं आप टीवी देखती हैं कि नहीं देखती? मैं नहीं देखती, हर रोज़ स्कूल पढ़ने जाती हूँ, पर वैसे ही मुझे नज़ला है ना। अच्छा जी, थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ भाई, लेकिन कोई बात नहीं। तो स्कूल जाती हैं आप? मुझे बताएं, इतनी सी उम्र में आपको जो है वो चश्मा लग गया है ना, ग्लासेस लग गए, ऐसे क्यों हुआ है? क्योंकि मुझे सही नहीं नज़र आता। अच्छा जी, तो आप ख्याल रख रही हैं ना फिर अपना? रखती हूँ। खाने में क्या पसंद है? वो जो अच्छे अच्छे फ्रूट के जूस निकालती है ना मम्मा, वो अपना पीती हूँ मैं। ओके, यानी आप फ्रेश जूस पीती हैं। कौन सा जूस सबसे अच्छा लगता है आपको? वो जो लेमन जूस होता है, वो कभी कभी ऑरेंज भी हो जाता है। ऑरेंज भी अच्छा लगता है, लेमन भी अच्छा लगता है। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताएं कि घर में आपकी लड़ाई तो नहीं होती किसी से? नहीं, तो हर वक्त ऐसे खेलते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं? बस 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 ना, वो हम लोग नान की नानों को लेकर आए हैं घर। अच्छा जी, नानों को लेकर। अभी आप किसके साथ आए हैं? वो पापा और मनान के साथ। पापा और मनान के साथ? मनान कौन है? मनान जो मेरा बड़ा भाई है। ओके, मनान जो इनका बड़ा भाई है, वो इनके साथ आए हैं या उनको लेके आए हैं? बड़ा है, मैं उससे छोटी हूँ, मैं वो थोड़ा सा बड़ा है। थोड़े से बड़े, ज़्यादा बड़े नहीं है, और ये उनसे छोटी हैं। अच्छा, मुझे इधर तो आए ना, इधर आए, ज़रा मुझे बताएं आपको और कोई पोएम आती है? आती है। ओहो, ये कौन आ गए हैं? ये छोटी हैं, इनका नाम क्या है? फातिमा।
फातिमा, फातिमा मेरे पास आई हैं और घूम के बस देख के और हाजिरी लगा के चली गई हैं। इसे बस पोम नहीं सुनानी आती। ठीक है, आपको तो आती है ना, बस एक और सुना दो। मुझे बाबा लक्ष्मी पाती है। चलो वो ही सुना दो। बाबा लक्ष्मी एवरीवेयर फुल, यस यस थ्री बैग्स फुल, वन फॉर द मास्टर, वन फॉर द डैन, वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। वेरी नाइस, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इन्जॉय करो और हम चलेंगे आगे, देखते हैं और कितने ऐसे ही अच्छे अच्छे से प्यारे से और इंटरेस्टिंग से लोग मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, बच्चों से हो रही है बात, लेकिन बच्चों को ये सब जो सिखा रहे हैं, कुछ सवालात उन पर्सनालिटी से भी कर लेते हैं और उनको थोड़ा सा जान भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं आपका नाम भूल गई हूँ। मेरा नाम चौधरी सफदर अली है। चौधरी सफदर अली, जॉइंट सेक्रेटरी मुल्तान डिस्ट्रिक्ट टैक्वांडो एसोसिएशन। ठीक है जी, आप मुझे बताएं कहाँ तक पहुँची ये एक्टिविटी और बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितने बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास तकरीबन 35 के करीब यहाँ पे स्टैंड थे और आज भी हमारे पंजाब के ट्रायल थे फैसलाबाद में। नेशनल चैम्पियनशिप वज़ीरिस्तान में हो रही है, तो उसके लिए हमारे मुल्तान के तकरीबन कोई 3 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो 12 तारीख को उन्होंने वज़ीरिस्तान टूर्नामेंट खेलने के लिए जाना है। वेरी गुड, तो ये आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। तो वैसे कोई एफिलिएशन डेवलप हो जाती है बच्चों के साथ, अटैचमेंट? नहीं, बच्चे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वालदैन बड़े अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को ना, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पहले से ज़्यादा। अब जैसे कोरोना भी है, मगर कोरोना के जैसे स्कूल पिछले दिन बंद थे तो वालदैन में बड़ा एक खौफ और आहत फैल गया था ना, तो उसके बाद जैसे कि स्कूल ओपन हुए, पार्क ओपन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह के रुझान वालदैन का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी वजह क्या था कि बच्चे मोबाइल खेल खेल के वो बिल्कुल ख़राब हो गए, बच्चे वालदैन भी तंग आ गए, तो उन्होंने कहा कि चलो शुक्र है कोई एक्टिविटीज़ कुछ पार्कों में कोई एक्सरसाइज क्लासेज वगैरह हुई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे और बच्चियाँ, आपने पिछली दफ़ा भी चक्कर लगाया था तो हमारे पास काफ़ी स्ट्रेंथ थी, बच्चियाँ भी थी, मगर वो बच्चियाँ आज काफ़ी ज़रा छुट्टी पे आज। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपकी उम्र थोड़ी थी, आप ज़रा छोटे से थे, तो फिर आपने क्या सोचा था कि आपने बड़े होकर क्या करना है? मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी 87 में, अब मेरी 42 एज है, तो मैं छोटा सा, तो मुझे शौक़ नहीं होता था गेम करने का, तो मेरे एक दोस्त होते थे, उन्होंने मुझे जो है ना इस लाइन पर लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं तकरीबन कुछ 3 नेशनल अवार्ड भी ले चुका हूँ और एक ओलंपिक्स अवार्ड है मेरे पास और बहुत से डिस्ट्रिक्ट से लेके नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन कर चुका हूँ और गोल्ड मेडल हासिल कर चुका हूँ। वेरी नाइस, माशाल्लाह, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है। तो आपको ये सब करने के लिए कौन मोटिवेट करता है सबसे ज़्यादा? मेरे घर में तो सबसे ज़्यादा जो मेरी सपोर्ट की, मेरी वालदा ने की। वेरी गुड, और आपकी नज़र में सेल्फ डिफेंस कितना इम्पोर्टेंट है? आजकल के दौर में जो हालात चल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे सेल्फ डिफेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ख़वातीन अपना दिफा खुद नहीं करेंगी ना, तो ये हमारे माशरे में इस तरह के वाक़े जो है ना आजकल जैसे हो रहे हैं ये होते रहेंगे। एग्जैक्टली, अपनी हिफाजत खुद करने की ज़रूरत है, यानी कल से मैंने इस क्लास को ज्वाइन करना है। चलें जी, आपसे एक मज़े का सवाल करते हैं। सवाल ये कि वो कौन है जो सबसे ज़्यादा गवाही देता है? कहते हैं यार ये चीज़ गवाह है, इस चीज़ का नो। आपसे सिर्फ हम कराटे टैगवांडो इस बारे में हम पूछ लें, इसके बारे में जो मर्जी पूछ लें। ठीक है, आपकी जो सारी स्ट्रेंथ है ये अब तक कितनी हो गई है? अब तक तो आज तो तकरीबन बच्चे बहुत कम है। और फीमेल मेजॉरिटी है या मेल मेजॉरिटी? मेल मेजॉरिटी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखें और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें, मैं भी आपको ज्वाइन करने वाली हूँ। ठीक है जी, हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि और कितने लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहें प्रोग्राम हम और आप। Little star, how are you? And do little star, how are you? Little star.
ओके ओके ओके, हो गया, गुजारा हो गया। अगर मैं कहूँ कि गाना आप गाएंगे साथ साथ मैं भी गाऊंगी तो? फिर भी नहीं। अगर मैं कहूँ कि आप हल्की आवाज़ में गाएं मैं तेज़ आवाज़ में गाऊं तो? फिर भी नहीं। सवाल यह है कि वो कौन है जो बहुत तेज़ भागता और कभी वापस नहीं आता? ये जवाब नहीं दे सकता। जवाब नहीं दे सकते? क्यों, ऐसी क्या बात है? भागता है, तेज भाग जाता है, पता भी नहीं चलता। वक्त ही है वो। वक्त ही है, बिल्कुल बिल्कुल वक्त ही है। आप मुझे ये बताएं वो क्या है जो बहुत तेज भागता है और कभी वापस भी नहीं आता? वक्त। वक्त, बिल्कुल, नो डाउट। आज का सवाल जो है वो बहुत ही आसान है। बाबा ब्लैक शिप एवरी वेयर फुल, यस यस थ्री बैग्स फुल, वन फॉर द मास्टर, वन फॉर द डैन, वन फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लेन। वो कौन है जो सबसे ज्यादा गवाही देता है? कहते हैं यार ये चीज गवाह है। इस चीज का नो। आपसे सिर्फ हम कराटे टैगवांडो इस बारे में हम पूछ लें। इसके बारे में जो मर्जी पूछ लें आमिर से। आपके नाम का मतलब क्या है? सैर करने वाली। सैर करने वाली, ओके। कहाँ कहाँ तक सैर कर लिया आपने? आधा पाकिस्तान। आधा पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान में क्या क्या शामिल होता है? आधे शहर, आधे सूबे। आधे आधे सूबे नहीं, वो कुछ सूबे पूरे और कुछ नहीं। ठीक है जी। सबसे ज्यादा किससे बनती है? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं बनती सारे बस दोस्त हैं, दोस्त नहीं भी हैं, कभी लड़ाई भी हो जाती है। शादी के बाद वैसे इंसान के शौक मर जाते हैं? हाँ, कुछ लोगों के ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों के ऐसा हो जाता है, यानी ये सच है? जी जी। ठीक है, यानी वो बस घर का होके रह जाती है? जी जी। और जो मर्द है वो घर का होके रहता है? मर्द घर का नहीं होके रहता, मर्द की लाइफ वैसी बरकरार रहती है। मर्द की लाइफ वैसी ही रहती है जो खवातीन है उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप महाजबीन आबिद के साथ। और अब बात होती है कुछ लड़कियों से, कुछ फैमिलीज से, और जानते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है और फ्यूचर के हवाले से क्या प्लान्स हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। बिल्कुल ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कोई मसला? नो फिट। कोई परेशानी? नो नो, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, अच्छा। फिर मुझे ये बताएं आपका नाम क्या है? सायरा खान। सायरा, ओके। सायरा, आपके नाम का मतलब क्या है? सैर करने वाली। सैर करने वाली, ओके। कहाँ कहाँ तक सैर कर लिया आपने? आधा पाकिस्तान। आधा पाकिस्तान, आधे पाकिस्तान में क्या क्या शामिल होता है? आधे शहर, आधे सूबे। आधे आधे सूबे नहीं, वो कुछ सूबे पूरे और कुछ नहीं। ठीक है जी। लाहौर देखा है? जी। कराची? नो। इस्लामाबाद? नो। मुल्तान? जी। पूरा घूम लिया? ठीक है। मुल्तान की सबसे खास बात और सबसे अच्छी जगह जो आपको पसंद हो? सारी पुरानी हो गई हैं, सारी बातें भी पुरानी हैं, सारी चीज़ें भी पुरानी हैं, कुछ भी नहीं आ रही है। लेकिन मुल्तान तो मुल्तान है। हाँ, मुल्तान तो मुल्तान है। मुल्तान तो मुल्तान है क्या? मुल्तान तो मुल्तान है भाई। मुल्तान तो मुल्तान है। मुल्तान तो मुल्तान है। ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि फ्यूचर में आप कहाँ जाना चाहेंगी, क्या करना पसंद करेंगी? डॉक्टर बनना चाहूँगी। डॉक्टर बनना चाहेंगी। फिलहाल आप क्या कर रही हैं? एफएससी मेडिकल या इंजीनियरिंग? मेडिकल। मेडिकल, ओके जी। यानी जिस फील्ड में है उसी को परसू करना है। वेरी गुड। अगर ऐसा ना हो पाया, खुदा ना खास्ता, फिर? क्यों नहीं होगा, होगा ज़रूर। बिल्कुल होगा, लेकिन प्लान बी कुछ? नो। कोई प्लान बी नहीं, अगर है तो यही है? जी। ओके, घर वालों की सपोर्ट है? बिल्कुल। वेरी गुड। कॉमन सेंस क्वेश्चन कर लूँ? यस। ओके, यानी रैपिड क्वेश्चन एंड रैपिड आंसर्स। ओके, मुझे ये बताइए वो कौन है, वो कौन सी चीज़ है, वो क्या है जो सबसे ज़्यादा गवाही देती है? किस चीज़ की? हर चीज़ की। कुरान पाक। ओके, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल चीज़ों में बात करें, आम गूगल? गूगल किस चीज़ की गवाही देता है? आपने पूछा ही नहीं है किस चीज़ की गवाही देनी है आपने। आप बताएं ना, आप बताएं। अगर आपने जवाब दें तो आप बताएं गूगल किस चीज़ की गवाही देता है? हर चीज़ की भाई, जो हम देखना चाहें। कुरान पाक देता है हर चीज़ की गवाही, तो जिसकी हम देखना चाहें। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा गवाही, ठीक है, बिल्कुल, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हम कोई और जवाब इसका निकालें फिर? गूगल। गूगल, ओके। गूगल बाबा की आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, यानी ज़रा से कोई स्पेलिंग मुश्किल हो जाए, स्पेलिंग ना है, गूगल कर लिया फौरन? बिल्कुल। वेरी नाइस, गूगल की इतनी इंपॉर्टेंस है। चलें एक और सवाल हो जाए। सवाल ये है कि वो कौन है, वो क्या है जो सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है, सबसे ज़्यादा, लेकिन वापस नहीं आता? वापस नहीं आता, भागता है वक्त।
वक्त है, टाइम है, एग्जैक्टली। आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हैं, थोड़ी इंटेलिजेंस आप मुझे भी, मेरे साथ भी शेयर कर दें। ऐसा खाया जाए कि बंदा इंटेलिजेंट हो जाए, खाया जो सब कुछ खाया जाए, सब कुछ खाया जाए तो बंदा इंटेलिजेंट हो जाए, सब कुछ खाया जाए तो बंदा इंटेलिजेंट हो सकता है। ठीक है जी, आपसे बात करके अच्छा लगा, एंजॉय करें और अपना ख्याल भी रखें। हम चलेंगे आगे, देखते हैं और कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं जो हमसे बात करना चाहेंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहेंगे, तो आगे बढ़ते हैं और बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पर एक और प्यारी सी क्यूट सी बच्ची मौजूद है, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है जी। कोई परेशानी? नहीं नहीं। कोई मसला? पार्क में आकर कैसे परेशानी? पार्क में आके कैसी परेशानी? सारी परेशानियाँ तो हम घर पे छोड़ आए हैं। चलें जी, आपका नाम क्या है? किरत। किरत, कितना प्यारा नाम है। मैंने कुरत नाम सुना था, किरत किसी का मैं पहली दफ़ा नाम सुन रही हूँ। ओके, आपका नाम किसने रखा था? मेरी मामा ने। मामा ने रखा था। मामा से ज़्यादा बनती है या बाबा से ज़्यादा बनती है? दोनों से। दोनों से बनती है। और बहन भाई हैं घर में? जी। सबसे ज़्यादा किससे बनती है? किसी से भी नहीं। किसी से भी नहीं बनती बहन भाई में? किसी से भी नहीं बनती, सारे बस दोस्त हैं, दोस्त नहीं भी हैं, कभी लड़ाई भी हो जाती है। अच्छा, कौन सी क्लास में है? नाइन्थ। नाइन्थ क्लास में दोस्त हैं जी? स्कूल में जी। ओके, मुझे बताएं कि सबसे अच्छी दोस्त कौन सी है आपकी? मेरी दोस्त का नाम आमना है। आमना। ओके, आमना को अगर आपने देना हो वहाँ देख के कोई पैगाम? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, वो बहुत अच्छी दोस्त है और वो हमेशा मेरी मदद करती है बस। ठीक है जी, चलो इसी खुशी में आपसे एक मज़े का सवाल करते हैं। कर लें पक्का? जी। चलो मुझे ये बताओ, वो कौन है जो सबसे ज़्यादा तेज़ भागता है पर वापस नहीं आता? भागता तेज है, वापस ही नहीं आता। वापस ना तेज भागता, वापस ही नहीं आता। शेर? शेर वापस आता है? आता है, क्या है फिर? आप सोचिए ना क्या है। शेर नहीं है। अच्छा, जानवर में है? नहीं, जानवर में नहीं है। परिंदा है? नहीं है। मक्खी? नहीं। तो मैं या आप? मैं ज़्यादा तेज भागती हूँ। वापस आती है ना फिर? जी। ऐसे तो इन्हें ना क्या गायब हो जाती है फिर, अब क्या करें? इस खुशी में मुझे कोई लतीफ़ा सुना दो, जहन में आ रहा है कोई लतीफ़ा? नहीं, आज तक मुझे किसी ने लतीफ़ा नहीं सुनाया। हम और आपकी हिस्ट्री में शायद एक दो दफ़ा सुनाया हो, प्लीज़ सुना दें। अच्छा, एक ना बच्चा होता है, वो ना स्कूल देर से जाता है। अच्छा, उसकी टीचर पूछती है, बच्चा बताओ भाई क्यों लेट आए हो? तो वो कहता है कि भाई ना मेरा दोस्त जो था ना, मैं उसके साथ आ रहा था, उसने ना दुकान से चीज़ ली, तो ना 2 रुपये की चीज़ है, एक रुपये की चीज़ है जी, और 1 रुपया उसे वापस मिला, तो ना 1 रुपया उसने ना उसका गुम हो गया। तो क्या कहते हैं, वो टीचर कहती तो तुम क्यों लेट आए, तुम्हें तो जल्दी आना चाहिए था। वो कहता मैं इसका 1 रुपया अपने पाँव के नीचे छुपा के खड़ा हुआ था। अच्छा था, ये अच्छा था, मज़ा आया मुझे सुन के। चलो जी, अब अपना ख्याल रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच, और आपसे बात करके अच्छा लगा। हम चलेंगे आगे और ढूंढते हैं और कितने लोग मौजूद हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, 6 बजने वाले हैं और जो पार्क का टाइम है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है और पार्क बंद हो जाएगा। तो उससे पहले देखते हैं कि और कितने लोग मौजूद हैं जो हमसे बात करेंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उनके पास चलते हैं, बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी, यहाँ पर एक खातून मौजूद है मेरे साथ, इनसे बात करने की मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूं। बिल्कुल खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं नहीं, चलें जी, शुक्र है माशाल्लाह। नाम क्या आपका? मेरा नाम आयशा मुस्तफ़ा है। आयशा मुस्तफ़ा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं ना कि जब आप छोटी थी आपने क्या सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि आपने आगे जाके क्या करना है? बस हर कोई यही सोचता है कि आगे बढ़ के इनकी कामयाबी हासिल करनी है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, बस यही है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा गायकी था। अच्छा, तो क्या वो ख्वाब पूरा हुआ? नहीं। फिर उसकी जगह कोई प्लान बी सोचा आप? अगर ये नहीं तो कुछ और करूँ? बस शादी हो गई फिर। शादी हो गई। शादी के बाद वैसे इंसान के शौक मर जाते हैं? हाँ, कुछ लोगों के ऐसा हो जाता है। कुछ लोगों के ऐसा हो जाता है, यानी ये सच है? जी जी। ठीक है, यानी वो बस घर का होके रह जाती? जी जी। और जो मर्द है वो घर का होके रहता है? मर्द घर का नहीं होके रहता, मर्द की लाइफ वैसे ही बरकरार रहती है। मर्द की लाइफ वैसी ही रहती है, जो खवातीन है उनकी ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है, इसी खुशी में और इसी दुख में। एक सवाल हो जाए, मैं सवाल कर लूँ आपसे मज़े का? जी जी। ओके,
ए, मुझे ये बताएं वो कौन है जो बहुत तेज भागता है लेकिन वापस नहीं आता? वक्त। वक्त, या तो आज मेरा सवाल बहुत आसान है या तो लोग जो वो बहुत ज़हीन है। चलें, कोई मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को, ख्वातीन को? बस ये कहती हूँ कि बस ये ज़िंदगी है, एक बार मिलती है, बस इसे हंसी खुशी गुजारें आप बस। चलें जी, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में आप मुझे भी याद रखिएगा। बस ये तो था हमारा आज का प्रोग्राम, हम और आप जिनाह पार्क मुल्तान में आए लोगों के साथ, और हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, लोगों के दिल का हाल जाना, उन्हें सुना और कुछ मज़े मज़े के सवाल भी किए एज़ यूजुअल, और कुछ इंटरेस्टिंग से जवाब भी आज हमें सुनने को मिले, और ख़ासकर बच्चों के साथ बात करके हमेशा की तरह बहुत इंजॉय किया। तो आई होप कि आपने आज के एपिसोड को इंजॉय किया होगा, एंड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, एहतियात भी कर रहे होंगे। इसी प्यारे से छोटे से मैसेज के साथ इजाज़त चाहूँगी, तो अपनी होस्ट माजविन आबिद को इजाज़त दें, लेकिन छोटा सा मैसेज यह है कि आपने अपना ख्याल रखना है और दूर रहना है, और दूर रहने में ही बेहतरी है। दूर रहना इस तरह से कि आपने फ़िज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करना है लोगों के साथ, और पब्लिक गैदरिंग से ज़रा ग्रेज़ करना है और थोड़ा परहेज़ करना है। तो एहतियात लाजिम है, सिर्फ मुझ पर नहीं, आप पर नहीं, हम सब पे। तो अपना अपना रोल अदा करें और माजविन आबिद को अब इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, नए लोगों के साथ, नए सवालात के साथ, नए चेहरों के साथ, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए आइडियाज़ होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।